बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि बलिया शहर कोतवाली थाना अंतर्गत चितू पांडे चौराहे पर दुकानदारों ने आरोप लगाया कि हमलों के साथ आए दिन दो युवक से तीन युवक बाइक पर आते हैं और कपड़े खरीदारी 1000 से लेकर 2000 3000 तक करते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन उनके ट्रांजैक्शन उनके मोबाइल में सक्सेसफुल दिखाता है लेकिन हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, यानी कि हम लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था, जिसको लेकर के दुकानदार जागरूक थे और जैसे ही दूसरे दिन युवक आते हैं खरीदारी करने, सभी दुकानदार मिलकर युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। आइए सुनाते हैं। आज मैं परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार गुप्ता। अरविंद जी, कहाँ पे आपकी दुकान है और क्या घटना घटी थी? है चितू पांडे चौराहे पे दुकान है। क्या हुआ है? ये दो लड़के आए थे और कपड़ा लिए, उसमें मोलाई भी नहीं किए, ठीक ना। उसके बाद फर्जी ट्रांजेक्शन दिखा करके हम ले जाना चाहते थे। इसके पहले हमारे साथ हो गया एक बार घटना, पिताजी बैठे थे तो उस समय 750 रुपया लेके चले गए। क्या उम्र थी उन लड़कों की? उम्र होगा भाई 20 साल के लगभग में होगा, दोनों का यही उम्र होगा। क्या कपड़ा खरीदे थे आपसे? लोअर था और पैंट था, टी शर्ट था। कितना अमाउंट बना था? 1980 का। फिर पेमेंट आपने कैसे लिया? पेमेंट यही फोन पे से लेते हैं, बोला भारत पे से किसी से लेते हैं, ये तो बोलता है लेकिन ये बोला नहीं, पहले समझ में आ गया। उसके बाद सब दिखाने लगे, भागने लगे, तो हम लोग चारों पाँचों दुकानदार मिलकर पकड़ लिए। यहाँ चारों पाँचों दुकान पे ये सब काम कर चुके हैं, अलग अलग लड़के आ रहे हैं सब। अब हीरो इन लोगों का बहुत ज़्यादा है। फिर आप लोगों ने पकड़ के पुलिस को सुपुर्द कर दिया। भी आपका सोनू चौरसिया। सोनू जी, कहाँ पे आपकी दुकान है और किस चीज़ की दुकान है? चितू पांडे चौराहे पे कपड़े की दुकान है। ये लोग आए 2250 रुपये का सामान लिए और बोले कि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। पेमेंट किए और इन लोगों के मतलब मोबाइल में सक्सेसफुल दिखाया, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। ये लोग जो है कि प्रत्येक मोटरसाइकिल में बैठ के चलेगा। कौन थे ये लोग, क्या उम्र थी इन लोगों की? यही 18 से 20 साल की एज है इन लोगों की। और ये लोग हर जो है कि रोज आते हैं और अलग अलग बाइक से, कभी जो है कि मोटरसाइकिल से, कभी कुछ से आते हैं। और ये लोग ऐसे ही हर एक दुकान पे ये लोग करते हैं। क्या क्या आपके यहाँ से कपड़ा खरीदा गया था इन लड़कों के द्वारा? जींस लिए ले, जींस लिए थे, टी शर्ट लिए थे, लोअर लिए थे। 2250 हुआ और ये लोग 1 रुपये भी मोलाई नहीं किए, फुल पेमेंट जो है कि ये लोग किए। और उसके बाद जो ये बोले कि सक्सेसफुल दिखा रहा है और हम भी जो है कि टेंशन फ्री हो गए, बोले कि सक्सेसफुल सब का आता है। और ये लोग जो है कि निकल के पैसे ले, जो है कि आया नहीं अकाउंट में, और ये लोग जो है कि निकल गए। तो आपको जानकारी कैसे हुआ कि आपके साथ फ्रॉड हुआ? हम अपना मोबाइल जब चेक किए जब तक ये लोग निकल गए। तो अभी आज क्या हुआ है, आज ये लड़के पकड़े गए हैं, क्या ये वही लड़के हैं जो आपके यहाँ से 2250 रुपये का फ्रॉड करके गए थे? 2250 रुपये हमारे यहाँ जो फ्रॉड किए थे वही ये लड़के हैं दोनों। तो आज आप लोगों ने कैसे इनको पकड़ा और किसको सुपुर्द किया है? अभी हम लोग ले जाके चितू पांडे चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस के हवाले जो है कि कर दिए हैं। वो जो है कि आज भी आया है किसी बगल वाले दुकान से 1950 का सामान लिए और उसके बाद जो है कि ये लोग दिखाया कि भैया सक्सेसफुल, और वो जो है कि पोपट में बोला नहीं और ये लोग चलेगा। एक लड़का जो है कि पकड़ा गया, दौड़ के पकड़ लिया गया, एक जो है कि मोटरसाइकिल से फरार हो गया। फिर वो उसको दूसरे वाले अपने साथी को भी बुलाया, जब उन लोगों को हड़काया, उसका मोबाइल वोबाइल छीने, फिर फोन करके वो बुलाया, जब तक हम लोग दोनों मिल के और जो है कि चितू पांडे चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस के हवाले करते हैं। आपका? मैं दिनेश चंद गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ पे आपकी दुकान है? चितू पांडे चौराहा। क्या हुआ है आपके साथ, किस तरीके की घटना हुई है? मोबाइल में देखा कोई और 600 रुपया का कपड़ा ले गया। कौन ले गया है? दो लड़के थे। कब की घटना है? आज से 10-15 दिन के बाद। अच्छा, कितने का अमाउंट बना था, कैसे उन लोगों ने पेमेंट किया था आपको? मोबाइल देखा कर पेमेंट किया था। फिर आपको कैसे जानकारी हुआ कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है? हमारे खाता में नहीं आया, हमारे लड़के का खाता में नहीं आया। अच्छा, नहीं आया।